हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, आदतें जो आपको जल्दी बूढ़ा बना देती हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बुढ़ापा ही होता है, लेकिन हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि हम में से कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसके शरीर की ताकत कम हो जाती है, उसका रंग रूप भी कम हो जाता है, लेकिन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ लोग अपनी गलत आदतों की वजह से कम उम्र में ही जल्दी बूढ़े दिखाई देने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको समय से पहले बूढ़ा नहीं होना, हमेशा जवान दिखाई देना है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 ऐसी गलत आदतें जिन्हें आपको आज ही छोड़ देना है, ताकि आप लंबे समय तक जवान बने रहें और अपने जीवन का आनंद मान सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि फिजिकल एक्सरसाइज ना करने की आदत। कुछ लोग हमेशा बैठे रहते हैं, उनके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज करने की कभी भी तमन्ना नहीं होती। जब भी उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में कहा जाता है तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है जिम। जिम में वो जाते नहीं है, एक्सरसाइज वो करते नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही है तो आप घर पर भी कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो वहां पर लिफ्ट का प्रयोग ना करते हुए सीढ़ियों का प्रयोग करें। अगर आपको घर से बाहर कुछ दूरी पर ही कोई चीज लेकर आनी है तो उस समय आप किसी व्हीकल का उपयोग ना करते हुए पैदल चले जाएं, शाम को कुछ समय के लिए टहलने के लिए चले जाएं, या तो फिर घर पर ही थोड़ा सा योगा या तो फिर व्यायाम वगैरह कर लें, ताकि आपके शरीर में एक्टिवनेस बनी रहे। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि जो लोग एक्टिव रहते हैं वो लोग सुस्त लोगों के मुकाबले में ज्यादा समय तक जवान बने रहते हैं। तो आपको भी अगर जवान दिखाई देना है तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिवनेस को अपनाएं। इसमें सेकंड बात का जो आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा को प्रॉपरली। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, लेकिन कुछ लोग पानी की मात्रा को बहुत कम लेते हैं। वो ज्यादा समय चाय, कॉफी, दूध या फिर अन्य पेय पदार्थ लेते रहते हैं, जिसके कारण उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, उनके अंदर बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाती, उनके शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है, जिसके कारण वो समय से पहले ही बूढ़ा दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक जवान दिखाई देना है तो आपको पानी की प्रॉपर मात्रा लेनी है, ताकि पानी हमारी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करता रहे। अगर आपके अंदरूनी अंगों की सफाई होती रहेगी तो वही चमक आपके चेहरे पर भी दिखाई देगी और आप लंबे समय तक जवान दिखाई देंगे। इसमें थर्ड बात का जो आपको अपनाना है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने की आदत को छोड़ देना है। दोस्तों, जहां स्मोकिंग हमारे अंदर हृदय के रोग, फेफड़ों के रोग पैदा करते हैं, वही शराब स्किन को ड्राई करती है, कुछ लोगों के डिप्रेशन का कारण भी बनती है, घरों में कलेश होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर स्मोकिंग या तो फिर ड्रिंकिंग करने की आदत है तो उसे आज ही छोड़ दें, ताकि आप लंबे समय तक जवान बने रहें, आपको किसी भी तरह का कोई भी रोग ना सताए। इसमें फोर्थ बात का जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। दोस्तों, कुछ लोगों को हमेशा नेगेटिव सोचने की आदत होती है, कभी भी वो अच्छा नहीं सोच पाते हैं, हमेशा चिंता करते रहते हैं। कोई बच्चा घर से बाहर गया, थोड़ी देर लेट हो गया तो हमेशा उनके बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं, या तो कोई व्यक्ति काम पर गया है, वहां से थोड़ी देरी हो गई, उसका फोन नहीं लगा, तब भी वो गलत सोचना शुरू कर देते हैं। अगर कोई नेटवर्क किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ तब भी गलत सोचना शुरू कर देते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपके अंदर हमेशा चिंता करने की आदत है तो ये आदत आपको आज ही छोड़नी होगी। हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, कुछ समय के लिए अपने आप को बिजी कर लेना है, उसके बाद किसी भी काम को करेंगे तो आपके अंदर हमेशा खुशी होगी और आप हमेशा जवान बने रहेंगे। इसमें नेक्स्ट बात का जो आपको ध्यान रखना है कि जंक फूड खाना कम करना है। आजकल लोगों को आदत हो चुकी है कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं। जंक फूड खाने से उनके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन अगर हम जंक फूड की बजाय हरी सब्जियां खाते हैं तो हमें बहुत सारे विटामिन भी मिल जाते हैं, हमारे शरीर को प्रॉपर पानी की मात्रा भी मिल जाती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग अच्छे से काम करते रहते हैं। जो चमक हमारे बॉडी के अंदर होती है वही हमारे चेहरे पर भी दिखाई देने लग जाती है। इसलिए अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो आज ही जंक फूड खाना कम कर दें या तो फिर बंद कर दें। इसमें नेक्स्ट बात का जो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा समय तक टीवी नहीं देखना। कुछ कभी कभी किसी दिन अगर आप ज्यादा समय के लिए टीवी देखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये आदत आप रोज अपनाते हैं तो आपको ये आदत आज ही छोड़ देनी है। क्योंकि टीवी देखते समय उनसे निकलने वाली किरणें हमारी आंखों पर, हमारी त्वचा पर, हमारी बॉडी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। कुछ लोगों को तो वेब सीरीज देखने की आदत पड़ गई है, लत लग गई है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं तो आज ही टीवी देखना बंद कर दें, सोशल टाइम अपना कम कर दें, ज्यादा समय टीवी पर, मोबाइल पर या तो फिर कंप्यूटर पर ना बिताएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा जवान बने रहते हैं, आपकी त्वचा पर कभी भी झुर्रियां नहीं आती हैं। नेक्स्ट बात का जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी खुद को कम नहीं आंकना। जैसे ही आपको लगे कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो अपने जीवन में कोई ना कोई गोल जरूर निर्धारित कर लें। क्योंकि जब हम कोई गोल निर्धारित कर लेते हैं तो हम अपने आप को कम आंकना बंद कर देते हैं। क्योंकि कुछ लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं, हमेशा अपने आप के अंदर कमियां निकालते रहते हैं कि वो तो इतनी सुंदर है, वो तो इतना काम करता है, मुझसे तो ये होता नहीं है, मुझ पर तो ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिससे वही चीज़ आपके चेहरे पर भी दिखाई देने लग जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी खुद को कम नहीं आंकना, हमेशा अपने जीवन में एक गोल रखना है। आप उस गोल की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप अपने आप को खुश भी महसूस करेंगे, जिससे आप हमेशा जवान दिखाई देंगे, जवान बने रहेंगे। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। कुछ लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने अंदर संतुष्टि पैदा करनी है तो आपको दूसरों को देना सीखना होगा। जब हम किसी को देते हैं और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देते हैं तो हमारे अंदर जो संतुष्टि होती है वो हमें खुशी देती है। जब हमारे अंदर खुशी होती है तो वही खुशी हमारे चेहरे पर भी दिखाई देती है। इसलिए आपको हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हुए दूसरों के बारे में भी सोचना है, इस आदत को अपनाना है, हमेशा जवान बन के रहना है। दोस्तों, आपके पास कोई चीज़ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन उम्र हमेशा बढ़ती रहती है। इसलिए आपको अगर अपनी बढ़ती उम्र में भी जवान रहना है तो इन सभी अच्छी आदतों को अपनाना है, गलत आदतों को छोड़ देना है। और अगर आपको इस वीडियो में बताई गई सभी बातें पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमेशा जवान बने रहें, तंदुरुस्त बने रहें। बाय।